जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीषर SSC 2.5 में। ठीक है, जी के ताजमहल से कुछ प्रश्न बनाए गए हैं जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। ताजमहल, ठीक है, 1631 से 1653 तक, मतलब 22 वर्ष में क्या हुआ, ताजमहल आपका तैयार हो गया। ठीक, इतना समय लगा। पहला क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था, तो आपका ऑप्शन है अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, अहमद। तो ताजमहल का निर्माण किसने किया था, आपका शाहजहाँ, दूसरा वाला सही है। ठीक है, शाहजहाँ ने किया था। ठीक है, ताजमहल कितने वर्षों में पूर्ण हुआ, तो आपका ताजमहल कितने वर्षों में पूर्ण हुआ, तो 22 वर्षों में, तो दूसरे वाला ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था, ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो किसने किया था, डेरिजियो ने, किसने, डेरिजियो ने। ठीक, चौथा प्रश्न है आपका ताजमहल के निर्माण में मुख्य मिस्त्री कौन था, ताजमहल के निर्माण में मुख्य मिस्त्री कौन था, तो कौन था, उस्ताद अहमद लाहौर, उस्ताद अहमद लाहौर, ये ताजमहल के मुख्य मिस्त्री थे। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि ताजमहल के गुंबद का निर्माण किसने तैयार किया था, ताजमहल के गुंबद का जो गुंबद है उसका निर्माण किसने किया था, तो ईसा खान ने, किसने, ईसा खान ने तैयार किया था। छठवा प्रश्न है कि ताजमहल के निर्माण में प्रतिदिन कितने मजदूर काम करते थे, ताजमहल के निर्माण में प्रतिदिन कितने मजदूर काम करते थे, तो आपका कितना होगा, 2000 मजदूर काम करते थे प्रतिदिन। सातवां प्रश्न है कि ताजमहल की ऊंचाई कितनी थी, ताजमहल की ऊंचाई कितनी थी, कितनी थी, 186 फीट है, 186 फीट है ताजमहल की ऊंचाई। आठवां प्रश्न है ताजमहल के निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए, ताजमहल के निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए, कितने रुपए लगे उसको बनवाने में, तो 9 लाख रुपया, कितना लगा, 9 लाख रुपया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।